बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 में कितना नंबर चाहिए जो आपका एक मास्टर बनने का सपना है वो पूरा हो जाए। ये वीडियो है उन महिलाओं के लिए जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर रही हैं 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और कितना नंबर आपको लाना है कम से कम कि आप मास्टर बन सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ में आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। 79,943 वैकेंसी है कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए, और इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आपको टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो टोटल वैकेंसी है इस पर 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए बिहार सरकार देती है। अब इसका 35% अब रिजर्वेशन अगर इसमें निकालेंगे तो महिलाओं के हिस्से में कितनी वैकेंसी आएगी वो हम देख लेते हैं। 27,980 इतनी पद पर केवल महिलाएं सेलेक्ट होंगी। 27,980 पद बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। 27,980 पदों पर सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार का एग्ज़ाम आएगा, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे कि कितना नंबर आपको चाहिए इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होने वाले हैं। भाग एक होगा प्रश्न पत्र भाग एक जो भाषा पर आधारित होगा, 100 अंक के होंगे प्रश्न और 100 प्रश्न इसमें आएंगे। एक प्रश्न एक नंबर का होगा, 100 प्रश्न 100 अंक। इसमें भाग 1 भाग 2 इसमें 2 लिखा हुआ है, भाग एक और भाग 2। भाग एक में 25 अंक का आएगा पेपर, अंग्रेजी का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा और 25 नंबर का होगा, यानी कि एक अंग्रेजी का प्रश्न एक नंबर का होगा। भाग 2 में 75 अंक होंगे और 75 प्रश्न होंगे। इसमें आपको कोई एक भाषा चुननी है, या तो आप बांग्ला चुनिए या उर्दू चुनिए या हिंदी चुनिए, जो भी भाषा आपको चुनना है वो भाषा आप चुनेंगे और 75 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो प्रश्न आपको नहीं भी आएगा उसको भी आप इसमें हल कर दीजिएगा, बिल्कुल तुक्का लगा दीजिएगा, हो सकता है वो आपका सही हो जाए। और अंग्रेजी में अगर आप फेल भी हो जाते हैं, यानी कि 25 नंबर में से आप 2 नंबर भी पाते हैं, 1 नंबर भी पाते हैं, 3 नंबर भी पाते हैं, तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पूरे 100 नंबर में से केवल 30 नंबर लाना है। यहाँ पे 30 नंबर केवल आपको लाना है, 100 नंबर में से केवल 30 नंबर लाना है। आप ये 30 डायरेक्ट हिंदी में से भी ला सकते हैं। हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में विलोम पर्यायवाची मुहावरे यही सारी चीज़ें आएंगी जिसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे अपनी टेस्ट सीरीज में। तो इस तरह से आपका यहाँ से 30 नंबर आ जाएगा और ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ये जो 30 नंबर आएंगे इससे आप शिक्षक नहीं बनेंगे, लेकिन पहली सीढ़ी आप इससे पार कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आप शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, ये चीज़ इससे प्रमाणित हो जाएगी। अब आते हैं पेपर 2 पे, जहाँ के नंबर से आप बनेंगे शिक्षक। ये प्रश्न पत्र 2 है। प्रश्न पत्र 2 में सामान्य अध्ययन खाली पूछा जाएगा, 120 अंक होंगे, 120 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न जो है एक नंबर का होगा। यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और इसी पेपर को हल करने से आप शिक्षिका बनेंगी, शिक्षक बनेंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, गणित पूछी जाएगी। गणित किस लेवल की, 10वीं क्लास की गणित। सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, भूगोल पर्यावरण पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 120। पार्ट कितने हैं, यहाँ पे आप पार्ट देख लीजिए, 7 पार्ट हैं। ये 7 पार्ट इसमें बने हुए हैं, 7 अलग अलग टॉपिक हैं 120 प्रश्नों के लिए, तो 120 प्रश्न इसी में से आएंगे। यहाँ से आपको नंबर जितना भी आप सही करेंगे उसी के बेस पे आप टीचर बनेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 या 1/4 होगी, अभी इसमें डिसाइड किया जाएगा कितना रखा जाए। तो इसमें जो है आपकी निगेटिव मार्किंग जो है वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, गलत प्रश्नों को आपको इसमें हल नहीं करना है। जो प्रश्न आपको सही लगे केवल और केवल उसी को करना है, चाहे आपका आधा पेपर छूट ही क्यों ना जाए।
अब देखिए ये है न्यूनतम आहर्ता, न्यूनतम आहर्ता कितनी है, आपको कितने नंबर लाने हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और निःशक्त, इन सब के लिए कितना लिखा गया है यहाँ पे 32। तो हम ये वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए बना रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनको 32% नंबर लाने हैं। अगर आपके 32% नंबर से एक नंबर भी कम हुआ तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, चाहे सीट खाली चली जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब 32% नंबर लाने के लिए आपको 120 में से कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तो ये आपको एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 38.4 सही प्रश्न अगर आपने कर लिए, यानी कि 39 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए तो आप शिक्षक बनने के कंपटीशन में बने रहेंगे। लेकिन शिक्षक बनेंगे इसकी गारंटी यहाँ पर नहीं ली जाती है, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है। अब जो आपके 27,800 पद हैं, 27,800 लोग जो ज़्यादा नंबर लाएंगे वही यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। तो शिक्षक बनने के लिए कितना नंबर चाहिए आपको, 39 तो इस परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए आपको। 39 नंबर ले आए आप, 39 प्रश्न सही कर लिए तो आप इस परीक्षा में पास हो गए। परीक्षा में पास हुए शिक्षक बनने नहीं, अभी शिक्षक बनेंगे मेरिट से। मेरिट कितना जाएगा, मेरिट इसका जो जाएगा हम आपको बता दें, महिलाओं की जो मेरिट है वो 48 जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर 48 प्रश्न आपने सही किया है, 48 प्रश्न अगर आपने 120 में सही किया है तो आप शिक्षक बन जाएंगी। ये महिलाओं के लिए है खाली, बाकी कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो महिलाएं जो हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर आपको चाहिए सही, 48 नंबर सही कीजिए और आप बिहार में शिक्षक बन जाएंगे। 120 में 48 सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। अब आगे जो भी बिहार का परीक्षा दे रहे हैं उन सभी छात्राओं के लिए, उन सभी महिला छात्राओं के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि CP स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप है, इसको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर 48 नंबर आपका स्कोर करने की पूरी स्ट्रेटेजी है। 48 क्या, यहां से आपको हम 68 नंबर दिलवा देंगे, मिनिमम 48 पे आपका सिलेक्शन होगा। कहां से कौन सा कोर्स इसमें देखना है वो भी आप देख लीजिए। आप यह कोर्स आपको मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पे, बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा टेस्ट सीरीज। ये केवल टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में, जिस तरह के आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसी तरह के टेस्ट हम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जब आप स्कोर करेंगे और 48 से ऊपर आपको स्कोर करना है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आप जो है 48 क्या 68-78 तक स्कोर करने लगेंगे और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सिलेक्शन होगा। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, एक बार नंबर ध्यान दीजिए, 8299226960, 8299226960। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं बिहार में कितनी महिलाएं जो हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और वहाँ पर शिक्षक बनती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।